नमस्कार, झारखंड में हूं आपके साथ अनुपमा झा। चलिए फटाफट अंदाज में रुख कर लेते हैं 100 शेयर 100 खबर का। किसानों ने ठकराई सरकार की पेशकश, बुराड़ी जाने की बजाय सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर डाला डेरा, कहा बात करनी है तो नुमाइंदों को यहीं भेजे सरकार। केंद्र की किसानों से अपील, कृषि मंत्री ने कहा कोरोना संक्रमण के दौरान आंदोलन की राह छोड़े किसान, सरकार हमेशा बातचीत के लिए तैयार। भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में लखनऊ, मुजफ्फरनगर, बागपत और मेरठ से दिल्ली की तरफ बढ़े किसान। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया ट्वीट, आंदोलन जरिया नहीं बातचीत से हल निकाले किसान, केंद्र सरकार के पास रखे अपनी बात। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने किया उग्र आंदोलन, किसानों के प्रदर्शन को रोकने के लिए एक्शन पर पुलिस, कई जगहों पर किया लाठीचार्ज। दिल्ली हरियाणा सिंगू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, किसानों ने बैरिगेटिंग तोड़ी, भारी हंगामा। दिल्ली से सिंगू बॉर्डर पर बैरिगेटिंग तोड़कर घुसे आंदोलनकारी, सैकड़ों किसान हिरासत में लिए गए, किसानों ने किया जमकर हंगामा, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। हरियाणा के सिंगू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी, किसानों पर किया गया वाटर कैनन का इस्तेमाल। पुलिस ने किसानों को हिरासत में लेने के बाद बांटे मास्क, कोरोना संक्रमण के चलते बांटे गए मास्क, आंदोलनकारी किसानों को समझाने की कोशिश। पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को किसानों से बातचीत के लिए नियुक्त किया, आंदोलनकारी किसानों के सभी मुद्दे पर गौर करेगी सरकार। दिल्ली सरकार का आंदोलनकारी किसानों को रखने के लिए स्टेडियम देने से इंकार, दिल्ली पुलिस ने मांगे थे 9 स्टेडियम, दिल्ली सरकार का बयान, किसानों की मांगे जायज। किसान आंदोलन की वजह से पानीपत पर लगा रहा ट्रकों का लंबा जाम, हाईवे पर खड़े हजारों ट्रक, यात्रियों को हो रही है दिक्कत। हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसानों ने खुद हटाई बैरिगेटिंग, किसानों के सामने बेबस नजर आई पुलिस, अंबाला में भी पुलिस किसानों में टकराव। भिवानी में मुडाल के निकट बैरियर पर सड़क हादसा, ट्रक ने दिल्ली कूच कर रहे किसानों के ट्रैक्टर को मारी टक्कर, ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार किसान तन्ना सिंह की मौत। यूपी के किसानों ने भी खोला मोर्चा, मुजफ्फरनगर में किसानों ने दिल्ली देहरादून हाईवे पर लगाया जाम। आक्रोशित किसानों ने बागपत में किया रोड ब्लॉक, पुलिस के साथ हुई तीखी झड़प, मौके पर पुलिस मौजूद। किसान के आंदोलन पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का बयान, कहा किसानों की बात सुनने के बजाय उनका उत्पीड़न कर रही है सरकार। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर किसानों ने लगाया जाम, भीकेयू कार्यकर्ताओं के आंदोलन से एक्सप्रेसवे पर थमी वाहनों की रफ्तार। तेजस्वी के दो आरोपों ने सदन में गर्मी पैदा कर दी, एक तो तेजस्वी ने चुनाव परिणाम में धांधली का आरोप लगाया, दूसरा सीएम पर केस को लेकर सवाल दागे, सीएम खुद भड़क गए, सदन की कार्यवाही आधे घंटे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी, फिर कार्रवाई शुरू हुई। नीतीश कुमार पर राबड़ी देवी का बड़ा हमला, कहा पगला गए हैं नीतीश कुमार, विधानसभा में नीतीश और तेजस्वी के बीच हुई थी तीखी नोकझोंक। एआईएमआईएम के विधायकों ने सदन के बाहर किया प्रदर्शन, एआईएमआईएम के विधायकों ने सीमांचल में नदियों के कटाव से होने वाले नुकसान की भरपाई की मांग की। आरजेडी नेता मनोज झा ने तेजस्वी यादव का बचाव किया। दूसरी तरफ विधानसभा की कार्यवाही शुरू से पहले लेफ्ट के विधायकों ने भी हाथ में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। मुजफ्फरपुर में रामपुर रेल फाटक के पास मिला युवक का शव, युवक कल शाम से लापता था, स्थानीय लोगों का आरोप है इस इलाके में हाल के दिनों में चौथी घटना है। आरा में शहर के कई इलाकों में जबरन झुकी झोपड़ी लगाकर अतिक्रमण किया गया था। गया में चोरी की मोटरसाइकिल के साथ चार मोटरसाइकिल अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 5 मास्टर चाबियों को किया बरामद। पटना सिटी अनुमंडल के फतुहा थाना परिसर में लोगों की लगी भीड़, पुलिस के संरक्षण में आए प्रेमी युगल की थाना परिसर स्थित बाबा थानेश्वर नाथ मंदिर में शादी कराई गई। शेखपुरा में ट्रक और पिकअप की सीधी टक्कर, पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल। आरा में नवादा में मरीज से पैसे के लेन देन को लेकर एक निजी डॉक्टर के कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट, मरीज के परिजनों को लहूलुहान किया। हाजीपुर में प्रताप सुंदर नगर के पास अपराधियों ने शादी के बाद वापस लौट रहे बारातियों को लूट लिया, दुल्हन के साथ लौट रहे अपराधियों को बदमाशों ने घेर लिया। कैमूर जिले के भभुआ में राह चलते लोगों से मोबाइल और पर्स झपटा मारने वाले एक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिवान में शिवव्रत साहब मंदिर से चोरों ने मुकुट की चोरी कर ली, घटना नगर थाना क्षेत्र के कागजी मोहल्ला की। बांका की कटोरिया पुलिस ने 34 पेटी विदेशी शराब से लोड ऑटो वाहन को जब्त किया, साथ ही चालक को भी गिरफ्तार किया। वैशाली के भगवानपुर थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, हाजीपुर हाईवे पर लगा जाम। पटना सिटी के मारूफगंज मंडी में दिन दहाड़े कारोबारी को मारी गोली, पुलिस ने अपराधी मुन्ना को मारूफगंज मोड़ के पास से गिरफ्तार किया। सिवान में श्रीराम स्कैन सेंटर में अचानक आग लग गई, अफरा तफरी का माहौल बन गया, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा। कैमूर में ट्रैक्टर पलटने से एक शख्स की मौत, 10 से अधिक लोग घायल। मुंगेर में 10 दिन पहले हुए मोटरसाइकिल लूटकांड का पुलिस ने किया पर्दाफाश, लूट की बाइक के साथ 4 लुटेरे गिरफ्तार। जहानाबाद में जाम की समस्या से जूझ रहे शहर को निजात दिलाने के लिए प्रशासनिक पहल शुरू, सड़क किनारे वाहन पार करने वाले कई लोगों को डंडे बरसाए। मुंगेर में ठंड ने दी दस्तक, बाजारों में गर्म कपड़ों की बिक्री में हुआ इजाफा, ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। पाकुड़ में सेमेस्टर 2 के अंक पत्र वितरण के दौरान कोरोना संक्रमण को लेकर गाइडलाइन का पालन नहीं किए जाने का विरोध हुआ। बेगूसराय के युवाओं की पहल इन दिनों चर्चा में है, युवाओं ने जरूरतमंद गरीबों को कपड़े पहुंचाने के उद्देश्य नेकी दीवार की शुरुआत की।
बघा में मैजिक धान की तैयार फसल अब किसानों के खेत से तैयार होकर कटने लगी है। किसानों ने असम के बाद पश्चिम बंगाल की तर्ज पर इसकी शुरुआत चंपारण के रामनगर प्रखंड स्थित सोहसा हरपुर से की। अररे की बेरगाछी थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पिकअप वैन से 576 लीटर विदेशी शराब बरामद की। औरंगाबाद के डीएम ने धान अधिप्राप्ति को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक की। आगामी रविवार से धान के सरकारी स्तर से धान की खरीदारी शुरू किए जाने का फैसला किया। औरंगाबाद में बढ़ती चोरी की घटनाओं को सांसद सुशील कुमार सिंह ने पुलिस के लिए शर्मनाक बताया, कहा पुलिस के लिए ये एक चुनौती है। विश्व मधुमेह दिवस पर मुंगेर सदर अस्पताल से डॉक्टर और नर्स ने जागरूकता रैली निकाली। सिविल सर्जन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। धनबाद से बीजेपी सांसद पीएन सिंह को पुलिस ने अलर्ट किया। पुलिस का दावा है कि धनबाद के सांसद पीएन सिंह की जान को खतरा है। पुलिस ने पीएन सिंह से कहा कि अपने घर पर सीसीटीवी कैमरा लगाए, किसी अनहोनी की स्थिति में अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलेगी। आज शहीद सोबरन मांझी की 63वीं शहादत दिवस है। सीएम हेमंत सोरेन ने शहीद सोबरन मांझी को याद किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देवघर पुलिस ने 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। सारण थाना क्षेत्र के पतरढा और कुरुमटांड गांव से 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। साइबर अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को लूटने का काम करता था। 8 साइबर अपराधियों के पास से 55,000 रुपए कैश बरामद हुआ। बोकारो में बालेडी थाना पुलिस ने हिरासत में लिया 3 दिनों से विस्थापित कर रहे थे आंदोलन पाटिल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बाहर रैयत कर रहे थे आंदोलन। हजारीबाग में चाक थाना क्षेत्र के दरिया गांव में किसानों के भुगतान के लिए कारोबारी पैसा ले जा रहा था, जिसे लूटा गया। इस लूटकांड में गोलियां भी चली। गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र के ट्रक चालक की हत्या के मामले में एसपी के निर्देश पर चिनिया पुलिस ने मामला दर्ज किया। भारी मशक्कत के बाद पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए ट्रक के सह चालक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल सामान को भी बरामद कर लिया। धनबाद में गोल बिल्डिंग से काकू मोड़ तक बन रही झारखंड की पहली 8 लेन सड़क के निर्माण कार्य पर रोक हटा दी गई, जल्द ही अधूरी सड़क का काम शुरू होगा। चतरा जिले के पत्थलगढ़ा प्रखंड में इन दिनों चुड़ैल का आतंक छाया हुआ है। इस गांव के लोग बेहद आतंकित हैं। गांव के स्कूल और पंचायत भवन में भूत प्रेत और चुड़ैल डेरा समाये हुए हैं। हजारीबाग के चौक थाना क्षेत्र के दरिया पंचायत के पास अज्ञात अपराधियों ने व्यवसायी को गोली मार दी। व्यवसायी के पास से लगभग 8 लाख की लूट हुई। चक्रधरपुर में एक मोमबत्ती फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि आसपास रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। लामू में छतरपुर थाना क्षेत्र के महिंद्रा पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रक पर एक कार ने पीछे से टक्कर मार दी, 4 लोगों की मौत। कोल्हान रेंज के डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने कोल्हान जंगल के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। लागिया गांव में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए डीआईजी ने कहा, नक्सलवाद की वजह से कोल्हान में विकास नहीं हो पाया। डीआईजी ने नक्सलियों से भी मुख्य धारा में लौटने की अपील की। पाकुड़ में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के अंशकालीन शिक्षकों ने मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात की, उन्हें अपनी समस्याएं बताई। रामगढ़ नगर परिषद कार्यपालक अभियंता के खिलाफ दिव्यांगों ने खोला मोर्चा, दिव्यांग संघ की आवश्यक बैठक संपन्न हुई। धनबाद जिले के कतरा स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर एक महिला का शव मिला, आशंका जताई जा रही कि मौर्य एक्सप्रेस की चपेट में यह दुर्घटना हुई। लातेहार जिले के बालूमा थाना क्षेत्र में स्कूटी और टेम्पो में टक्कर हो गई, जिसमें 2 युवक जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से दोनों को बालूमाथ अस्पताल लाया गया, गंभीर स्थिति को देखते हुए रांची रिम्स रेफर किया गया। बोकारो में प्लांट में नियोजन की मांग को लेकर विस्थापितों का आंदोलन, प्रशासनिक भवन के सामने एक दिवसीय धरने पर बैठे विस्थापित। राजधानी रांची में लोगों को कोरोना संक्रमण का डर नहीं है, लोग बेपरवाह बगैर मास्क घूमते हुए दिखाई दिए। साहिबगंज जिले में बिजली विभाग ने बकाया राशि वसूलने के लिए कड़ा अभियान शुरू किया। बिजली विभाग के मुताबिक साहिबगंज जिले पर करीब 16 करोड़ रुपए का बकाया है। निवार तूफान का असर रांची स्थित पूरे झारखंड में दिख रहा है। रांची में सुबह से ही बादल छाए हुए, कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई। राजधानी रांची में सुबह से हल्की बारिश के साथ सुबह से ठंड बढ़ने लगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री की गिरावट के साथ ठंड और बढ़ेगी। सिमडेगा में लगातार 2 दिनों से आसमान में काले बादल छाए रहे। बादल छाए रहने से मौसम में पूरी तरह से बदलाव देखा गया। हैदराबाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की विशाल रैली, कहा हर वार्ड में खिलेगा कमल। जयपुर दिल्ली हाईवे पर दर्दनाक हादसा, हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बस में लगी आग, झुलसने से 3 यात्रियों की मौत। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। मथुरा में गुरुवार से लापता बच्ची का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने लगाया रेप के बाद हत्या का आरोप। गुजरात के राजकोट में कोविड अस्पताल में आग लगने से 5 लोगों की मौत। कंगना के दफ्तर पर तोड़फोड़ मामले में उद्धव सरकार को लगा बड़ा झटका, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को लताड़ा, तोड़फोड़ की कार्रवाई को बताया गैरकानूनी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कानून का गलत इस्तेमाल किया गया, दफ्तर में तोड़फोड़ से नुकसान के मूल्यांकन के लिए अलग से अधिकारी नियुक्त। हाईकोर्ट के फैसले पर कंगना ने ट्वीट किया, कहा ये सिर्फ मेरी नहीं लोकतंत्र की जीत है, मुझे हिम्मत देने के लिए शुक्रिया। कंगना के दफ्तर पर हाईकोर्ट के फैसले पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बयान, कहा अब संजय राउत की बोलती बंद हो गई। हॉलीवुड फिल्म मॉन्स्टर हंटर 1 जनवरी को होगी भारत में रिलीज, अंग्रेजी हिंदी के अलावा तेलुगु और तमिल में भी होगी रिलीज। उत्तर कोरिया में जंगल में लगी आग से मिसाइल बेस को काफी नुकसान, घटना से नॉर्थ कोरिया का शासक किम जोंग बेहद गुस्से में।
11 दिन बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अपने ऑफिस में आए नजर। कोरोना संक्रमित अधिकारी के साथ बैठक करने के बाद खुद को किया था आइसोलेट। क्रिसमस से पहले उपलब्ध होगी कोरोना की वैक्सीन, जर्मन चांसलर एंजेला मार्कल का संसद में बयान। स्वीडन के राजघराने तक पहुंचा कोरोना, प्रिंस कार्ल फिलिप और पत्नी प्रिंसेस कोरोना संक्रमित। दिसंबर में आएगा बर्गर किंग और कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ, इस साल अब तक 25 कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च कर चुकी है। भारतीय आईटी के पितामह और टीसीएस के फाउंडर फकीर चंद कोहली का हुआ निधन, फकीर चंद की 96 साल की उम्र में हुआ निधन। जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने इस साल आईपीओ लाने की योजना टाली, अब 2022 में कंपनी 2700 करोड़ की आईपीओ लाएगी। लॉकडाउन में नई लिस्टेड कंपनियों ने दिया जबरदस्त मुनाफा, 4976 कंपनियों ने 171% ज्यादा मुनाफा दिया। एक्ट्रेस टिस्का चोपड़ा बनी डायरेक्टर, टिस्का की डायरेक्शन में बनी शॉर्ट फिल्म रूबरू 28 नवंबर को होगी रिलीज। वेब सीरीज मिर्जापुर 2 के रॉबिन उर्फ प्रियांशु पेन्यूली अपनी गर्लफ्रेंड वंदना जोशी से की शादी। टीवी सीरीज कुबूल है कि सीक्वल में नजर आएंगे करण सिंह ग्रोवर और सुरभि ज्योति, आरिफ जकारी और मंदिरा बेदी भी सीरीज में आएंगे नजर। शाहरुख खान की फिल्म पठान का पोस्टर हुआ जारी, पोस्टर में शाहरुख खान नए हेयर स्टाइल में आए नजर। प्रिया प्रकाश वॉरियर के नए वीडियो ने मचाई सनसनी, भारी महफिल में गाया रणबीर कपूर का लोकप्रिय गाना। और यह वक्त एक